नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरत सात मुख वाला दिया किस जगह लगा देती है तो उसके घर में धन और दौलत की बरसात होती है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर में धन दौलत हो, और धन दौलत है तो उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। और इसके लिए हम लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं, और आज की इस वीडियो में भी मैं जो आपको उपाय बताऊँगा वो काफ़ी कारगर उपाय है आपके घर में माता लक्ष्मी का वास स्थापित करने के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए। इससे क्या है कि धन दौलत की बारिश आपके घर में होने लगेगी। तो चलिए जानते हैं आज के इस उपाय को। इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक दिया लेना है। दिया आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में है वो भी, या मिट्टी का कोई भी आप एक दिया ले लीजिए जिसमें हमें जलाना है, जिसको हमें बस एक दिया ले लीजिए। दिया लेने के बाद हमें लेना है गाय का घी। गाय का घी हमें शुद्ध लेना है, अच्छे क्वालिटी का। थोड़ा सा गाय का घी हमें उस दिए में डालने के लिए हमें घी का ही दिया जलाना है। तो पहले एक दिया ले लीजिए, उसके बाद गाय का घी, और उसके बाद हमें लेनी है बत्ती। बत्ती हमें कितनी लेनी है, हमें लेनी है सात बत्ती। सात आप ऐसी बत्ती ले लीजिए उस दिए में लगाने के लिए। और तीनों चीज़ों को लेने के बाद हमें क्या करना है कि हमें एक सात मुख वाला दिया तैयार करना है। उस दिए में आप क्या करिए कि उस घी को डाल दीजिए, उसके बाद सभी तरफ से सात उसमें बत्ती लगा लीजिए। और सात मुख वाले उस दिए का हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि शुक्रवार के दिन रात के समय, शुक्रवार के दिन हमें रात के समय, रात में सात बजे के बाद कभी भी हमें क्या करना है, उस दिए को माता लक्ष्मी के पास, यानी आपके घर में जहां आपके घर का पूजा घर है, जहां पे आपके माता लक्ष्मी का फोटो मूर्ति स्थापित किया हुआ है, उस जगह पे उस सात मुँह वाले दिए को हमें लगा देना है। और लगाकर क्या करना है, हमें माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और उनसे धन दौलत समृद्धि की कामना करनी है। और लगाते वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि लगाते समय कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जब आप दिया लगा रहे हैं उस समय किसी को भी आपको रोकना नहीं है, आपको टोकना नहीं है किसी भी काम के लिए। तो सबसे अच्छा होगा कि जब घर के सारे लोग सो जाएं 10-11 बजे, उस समय आप इसको करें ताकि आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। क्योंकि अगर कोई रोक टोक नहीं होगी तो इसका लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस तरह से इस उपाय को कीजिए। जब इस उपाय को आप करेंगे तो उससे माता लक्ष्मी का वास जो है हमेशा आपके घर में होगा और धन दौलत में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। धन दौलत नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो आपके घर में धन दौलत जो है आने लगेगा, धन आने के द्वार जो है खुलने लगेंगे। बस इस उपाय को आप पूरे नियम से और एकांत में कीजिए जहाँ आपको कोई टोके ना। बाकी इससे क्या है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होनी ही होनी है, आपके घर में धन दौलत आएगा ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में बताया गया उपाय, बताई गई बातें आपको समझ आई होंगी। कोई सवाल है मन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर महादेव।